This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर. आज है 25 जनवरी 2022. नमस्कार, मैं निशा आप सबके सामने लेकर आई हूँ कागज नगर की ताजा तरीन खबरें. आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस. रेबेना पुलिस लगा रही ट्रैफिक बोर्ड. कागज नगर में एक और प्रॉपर्टी कब्जा. आसिफाबाद में खुला चिल्ड्रंस पार्क. तिरियानी में शुरू हुआ मधुमक्खी पालन. डिप्टी कलेक्टर का गंगापुर मंदिर दौरा. अपोलो कंपनी में सेलेक्ट हुए 60 लोग. डब्बा गांव में सांसद श्री स्वयं बापूराव का दौरा. पेंची कलपेट में कोरोना के 40 केसेस. अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से. रेबेना इलाके में 4 लेन एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है. ऐसे में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस जगह जगह पर ट्रैफिक बोर्ड लगा रही है. आए दिन हो रहे रोड हादसों की वजह से पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल करने का फैसला लिया है. कागज नगर में एक और प्रॉपर्टी कब्जा देखने को मिला. सिरसिल के विजय बस्ती में बीएमएस ऑफिस है. कई सालों से ये बिल्डिंग खाली पड़ी है. बीएमएस ऑफिस के आंगन में स्थानीय वाल्मीकि समाज ने दुर्गा मंदिर की प्रतिष्ठा की थी. कभी कभी जब यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तब बीएमएस ऑफिस का इस्तेमाल भक्त लोग कर लेते हैं, लेकिन एकाएक किसी व्यक्ति ने बीएमएस ऑफिस के नाम पर एक म्यूनिसिपल डोर नंबर इश्यू करा लिया और वहाँ रहने लग गया. एक तरफ वाल्मीकि समाज के लोग इस कब्जे से हैरान हो गए तो दूसरी तरफ बीएमएस के नेताओं ने ये खंडन किया. उन्होंने इस व्यक्ति को बिल्डिंग बेच दी है. बीएमएस ने कहा कि ये बिल्डिंग किसी को बेची नहीं गई है और इसमें रह रहा व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ पर रह रहा है. इस बाबत कल इस मामले को बीएमएस, बीजेपी और स्थानीय वाल्मीकि समाज ने तीव्र आपत्ति व्यक्त की है. बीजेपी नेता डॉक्टर पालवाई हरीश ने म्यूनिसिपैलिटी पर आरोप लगाया कि वो ऐसे अवैध रूप से कब्जा करने वालों की मदद कर रही है. ये सब घोटाले बंद होने चाहिए और उस व्यक्ति का डोर नंबर कैंसिल करके उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए. आसिफाबाद में कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास बच्चों के लिए ये नया पार्क बनाया गया है. इसमें बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं. साथ ही लोगों के वॉकिंग के लिए जगह बनाई गई है. इससे आसिफाबाद के लोगों को लाभ मिलेगा. तिरियानी में एक युवक ने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया. उसने इस बारे में डिप्टी कलेक्टर श्री वरुण रेड्डी जी को बताया. इससे डिप्टी कलेक्टर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने युवक की प्रशंसा की. डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि जिला के युवाओं को बढ़ चढ़ के ऐसे व्यापारों में भाग लेना चाहिए. व्यापार खुलने से जिले में प्रगति होगी जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा. आने वाले महीने में गंगापुर यात्रा होने वाली है जिसकी तैयारियां जोरों पर है. इसी बीच डिप्टी कलेक्टर श्री वरुण रेड्डी जी ने गंगापुर मंदिर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया. परसों हुए जॉब मेले में कई लोगों को नौकरी मिली. साथ ही अपोलो कंपनी ने 60 लोगों को मेडिकल स्किल्ड ट्रेनिंग के लिए चुना. ये सभी लोग कल ट्रेनिंग लेने के लिए आसिफाबाद से हैदराबाद जाने के लिए रवाना हुए. आज चिंतलमानेपल्ली के डब्बा गांव में सांसद श्री स्वयं बापूराव का दौरा है. वहां जाकर एमपी साहब विभिन्न प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे. उसके बाद वो गांव वालों से मिलेंगे और आखिर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. फीवर सर्वे के दौरान कल पेंची कल्पेट में एकाएक कोरोना के 40 केसेस देखने को मिले. इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है. लोग कोरोना को लेकर काफी चिंतित दिखाई दिए. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए. अपने दोस्तों, परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. नए वीडियोज आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ. धन्यवाद.